मैं जानती हूँ आजकल तुम्हें अपने वजन बढ़ने की चिंता सता रही होगी, लेकिन तुम्हें इस बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस समय में कई शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, पर तुम्हारी डॉक्टर ही ये तय करेगी कि तुम्हारा कब और कितना वजन बढ़ना सही है। वेट गेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास कंसीव करके आता है, सारे रिलेटिव्स एंड पेशेंट बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कितना वेट गेन होगा। पेशेंट्स वरी करते हैं कि हमारा हम ऐसा तो नहीं कि बहुत ख़राब हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, एंड घर वाले सोचते हैं कि इसको डबल खाना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी, एक तो प्रेगनेंसी में आपका ये कंसेप्ट बहुत ही गलत है, मिथ है कि डबल खाना है। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ज़्यादा खाना है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 250 टू 300 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डबल खाने की ज़रूरत नहीं होती है। और नॉर्मल जो वेट गेन होता है, हम 10 टू 12 केजी सोचते हैं कि होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो बेसिक प्री कंसेप्शन वेट है। सपोज़ वो बहुत कम है तो आपका ज़्यादा वज़न भी बढ़ सकता है, ज़्यादा हम चाहते हैं बढ़ जाए। और अगर आपका प्री प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बीएमआई ज़्यादा है या वेट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हम उस हिसाब से चाहते हैं कि कम वज़न बढ़े। और इसकी रेंज हम इस हिसाब से मान के चलते हैं कि 8 kg to 16 kg। और सम टाइम कोई कोई पेशेंट्स इतने मोटे होते हैं, उनका बीएमआई मोर देन 35 या 30 होता है, तो हम चाहते हैं कि शायद उनका 6 kg ही वेट बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें वेट गेन थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी है। वेट गेन अगर आपका नॉर्मल वेट गेन होता है तो डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ, आपका वेट एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसीज आर मच लेस, आपकी डिलीवरी भी इजी होती है, नॉर्मल वेट गेन होता है। अगर आपका एक्सेसिव वेट गेन होता है तो कुछ बीमारी होती हैं, जिनको डायबिटीज़ है, आई हाइपरटेंशन है, उनके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन है, और ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा खाएंगे वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो बच्चे का वज़न या बच्चा ज़्यादा हेल्दी होगा, ये दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग कंसेप्ट। अगर आपका प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस अगर बहुत ज़्यादा वेट होता है तो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और इस वाले वज़न को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 trimester में। जैसे शुरू के 3 महीने में यूजली वज़न नहीं बढ़ता, या 0 to 1 और मैक्सिमम 2 kg वज़न बढ़ता है, और उसके बाद में अनदर 3 months में 1 to 1.5 kg पर मंथ आप मोटे तौर पर ले सकते हैं कि 1 to 1.5 kg हर महीने बढ़ रहा है। और एज ए टोटल जो इनिशियल 6 months होते हैं उसमें 50% ऑफ द वेट गेन हो जाना चाहिए, एंड रेस्ट ऑफ द 50% वेट गेन होता है आखिर के 3 महीने में, वो होता है मोटे तौर पे आप लें तो 1.5 to 2 kg पर मंथ। वेट गेन जो होता है ये सिर्फ आपका ही बॉडी का वज़न नहीं होता है, इसमें इंक्लूड होता है बच्चे का वज़न जो कि अराउंड 3 kg टर्म तक होता है, उसके जो चारों तरफ पानी का बैग होता है 1.5 liter के करीब, उसका भी वज़न होता है, आवन नाल का होता है 0.5 kg से 1 kg के करीब, और जो यूट्रस का साइज़ बढ़ता है दैट इज़ ऑल्सो अनदर 0.5 kg to 1 kg, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, बॉडी का जो फ्लूइड बढ़ता है बॉडी वॉल्यूम, एंड एज ए होल बॉडी का जो वेट बढ़ता है वो भी 1.5 to 2 kg। ये टोटल मिला के हमारा ऑलमोस्ट 8 to 16 kg डिपेंडिंग अपॉन प्री कंसेप्शन वेट होना चाहिए। ज़्यादा वज़न बढ़ जाने से भी माँ और उसके बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है। बच्चा स्वस्थ हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ का वज़न तय सीमा तक रहे।